ओम शांति। 17 जुलाई 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम बाप टीचर सतगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सतगुरु बन साथ में ले जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर है, बाप से वायदा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे, हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं ऐसे रहम दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरा है, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान है, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रह शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। आवाज से परे रहने की श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। इस स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। आज का स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं अथवा स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सतगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। ज्ञान सागर तो एक बाप ही है, वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ गॉड फादर बैठ राजयोग सिखलाते हैं। माता पिता सम्मुख बैठे हैं तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम परम धाम अथवा स्वीट होम की तरफ ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे, वह भी घर है, यह भी घर है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। बाप तो मैनर्स सिखलाते हैं, श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्व गुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। बाबा ने समझाया है, हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वायलेंस की, दूसरी हिंसा है फिर काम कटारी चलाना। हम डबल अहिंसक हैं। सतयुग में हिंसा की बात नहीं होती, ना जिस्मानी ना विकार की। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहते हैं, उसके भांति हम बनते हैं। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, हमारा मनुष्य नाम निकल जाता है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे बच्चे तुमको नर से नारायण बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ।